बिलासपुर से खबर, जहां सेंट्रल लाइब्रेरी के बेसमेंट में ब्लास्ट हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। नूतन चौक स्थित बेसमेंट के फ्यूज में शॉर्ट सर्किट हो गया। बेसमेंट में लगे फ्यूज में शॉर्ट सर्किट के बाद ब्लास्ट हो गया। तस्वीरें देखिए, चिंगारियां निकलती हुई आपको नजर आ रही होंगी। यहां पर एक हादसा टल गया है, कोई जनहानि इसमें नहीं हुई, किसी को चोट नहीं आई, कोई झुलसा नहीं इस ब्लास्ट में, इस शॉर्ट सर्किट में। देखिए तस्वीरें, सेंट्रल लाइब्रेरी के बेसमेंट की ये तस्वीरें हैं, जहां पर फ्यूज में शॉर्ट सर्किट होता है और ब्लास्ट होता है। चिंगारियां निकलती हुई आपको नजर आ रही होंगी, किस तरीके से ब्लास्ट हुआ ये आप देख सकते हैं। बिलासपुर के सेंट्रल लाइब्रेरी के बेसमेंट की ये घटना, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी मच गई वहां पर, और नूतन चौक स्थित बेसमेंट के फ्यूज में शॉर्ट सर्किट हो गया और ब्लास्ट हो गया, चिंगारियां निकलने लगी। हालांकि गनीमत रही कि इसकी चपेट में कोई नहीं आया और कोई झुलसा नहीं, कोई हताहत नहीं हुआ है इस शॉर्ट सर्किट से, इस ब्लास्ट से। बिलासपुर के सेंट्रल लाइब्रेरी के बेसमेंट में शॉर्ट सर्किट हो जाता है फ्यूज में, और इस तरीके से ब्लास्ट होता है। तस्वीरें आपके सामने, चिंगारियां निकल रही हैं। आग भी वहां पर लग गई थी, लेकिन आग उतनी ज्यादा भीषण थी नहीं, तो एक बड़ा हादसा यहां पर टल गया। नूतन चौक स्थित बेसमेंट के फ्यूज में शॉर्ट सर्किट हुआ। बेसमेंट में लगे फ्यूज में शॉर्ट सर्किट के बाद अफरा तफरी मच गई, इस तरीके से ब्लास्ट हुआ था। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।